हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सिंपलिसिटी। कैसे हैं आप सब? चलिए मैं आज आपको अपने डेंटस के प्लांट के बारे में बताऊंगी कि मेरा प्लांट ऐसे फूलों से कैसे भरा है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। पौधे को हमेशा ये कि ये डेंटस बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये एक परमानेंट प्लांट है, पूरा साल ये फूल देता है। और विंटर तो इसका गोल्डन पीरियड होता है, उसमें तो ये बहुत ही अच्छे फूल देता है। फूल भी इसके बड़े साइज़ के आते हैं विंटर में, और पूरी गर्मी भी ये फूल देता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसको इजीली आप अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही बुशी हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। बंचिस में इसके फूल आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। आप देख ही सकते हैं मेरा, ये देखिए मेरे प्लांट, देखिए कितना हेल्दी चल रहा है। मैं आपको ये बताऊँगी कि मेरा प्लांट इतना हेल्दी कैसे हुआ, मैंने इसमें ऐसा क्या डाला है जिससे मेरा ये प्लांट इतना हेल्दी हुआ है। चलिए मैं आपको फटाफट से ये बताती हूँ कि मेरा प्लांट इतना हेल्दी कैसे हुआ है। पहला तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप इसे लगाएं, एक अच्छे वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना है इसको, और एक अच्छा गमला देना है। जितना अच्छा बड़ा गमला देंगे जैसा भी आप इसको, वैसे ही ये प्लांट बुशी होता चला जाएगा। छोटे गमलों में छोटा ही रिजल्ट रहता है इसका, छोटा ही रहता है ये। अगर आप इसे, मेरे तो ये देखिए 6 इंच का गमला है, 6 इंच के गमले में मैं लगाया है। अधिकतर मैं अपने डेंटस 6 इंच या 4 इंच के गमलों में लगाती हूँ। बहुत अच्छा चलता है उसके अंदर, बहुत बुशी हो जाता है, बहुत ही अच्छा चलता है। और अब मैं आपको ये बताऊंगी ब्रांडेड सोइल में बनाना है। मिट्टी तो आपको पता ही है 75 गार्डन सोइल, और उसमें 25% इसमें आपको कंपोस्ट मिलाना है। कंपोस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब आप ये देखें कि ये फूल आ गया है, ये फूल खिल गए, खिलने के बाद आप ये देख रहे हैं ये फूल सूख गए हैं, ये देखिए इन्हें आपको रिमूव हटाने हैं। हटाने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये, जहाँ से ये बंच बना यहाँ से हटाना है। ये देखिए ये हटा दीजिए। इसका हटाने से एक फ़ायदा ये होगा कि ये साइड से अपनी ब्रांचेस निकालेगा और इसमें और ये बुशी हो जाएगा। देखिए मैं सब में मैंने यही अप्लाई किया, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कलियाँ, देखिए ये मैं सारा यही अप्लाई करती हूँ। ये देखिए पूरे मैं अपने प्लांट पे ये अप्लाई करती हूँ। जब भी ये मेरा ये दिख जाता है मुझे कि फूल सूख गया, मैं इसे आती हूँ और रोज़ हटा देती हूँ इसका। मेरा रोज़ यही काम है, जो फूल सूख जाते हैं मेरे को उन्हें हटाना होता है, तभी ये इतना बुशी होके चल रहा है। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि इतना बुशी करने के लिए आपको इसमें क्या डालना है जिससे आपको ये 100% ये रिज़ल्ट देगा आपको। ये देखिए दोस्तों, ये 1 चम्मच आपको इसमें डालना है, ये सीवीड है। सीवीड आपको आसानी से किसी भी गार्डन शॉप से मिल जाएगा। ये मैं जब लेकर आई थी 1 kg 180 का लेकर आई थी। इसका लिक्विड फॉर्म भी आता है, लिक्विड फॉर्म थोड़ा कॉस्टली होता है, 300 के आसपास आपको मिल जाएगा। वो भी उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, उसका इंस्टेंट रिज़ल्ट है, और इसका भी रिज़ल्ट वैसा ही है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा स्लो रिज़ल्ट देता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं मेरे प्लांट पे कितना अच्छा हुआ है। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है सीवीड का। सीवीड एकदम ऑर्गेनिक है, ये समुद्र में जो शैवाल घास पौधे निकलते हैं उनसे बनता है, और ये एकदम ऑर्गेनिक है, इससे कोई प्लांट को नुकसान नहीं होता है। और इतने बड़े गमले में 1 चम्मच ये बहुत होता है। और आप इसको डालने का मैं इसको आपको तरीका बताऊंगी। ये आपको पौधे मेरे तो सारी गुड़ाई हुई है, मैंने अभी कल ही की थी सारी गुड़ाई। आपको इसको धीरे धीरे साइड में करके ऐसे डालना है और मिट्टी से ऐसे ढाक देना है। और ये देखिए, और ये धीरे धीरे अपना रिज़ल्ट दिखाता है और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा, बहुत ही फूल बहुत अच्छे देगा। सीवीड का प्लांट के ऊपर एक ये फ़ायदा है कि एक तो फूल बहुत हेल्दी आता है, बड़ा फूल आता है, दूसरा लीफ बहुत शाइनिंग करती हैं, नेचुरल चमक आ जाती है उसके अंदर प्लांट में, बहुत ही शाइनी प्लांट हो जाता है। सीवीड एकदम ऑर्गेनिक है, कोई हार्मफुल नहीं है। आप लेकर आइए, एक बार इसे यूज़ करिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है प्लांट्स के लिए, और एकदम ऑर्गेनिक है, पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। आप यूज़ करके देखिए और आपका प्लांट भी ऐसे ही हेल्दी हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक पिंक शेड भी है डेंटस का, ये मैं बहुत पुराने हैं ये मेरे पास, ये सब मैंने देखी, छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, ये देख रहे हैं आप, सब मेरी कटिंग चल गई हैं। बहुत सारी मैं कटिंग हमेशा ऐसी लगाती हूँ। कटिंग लगाने का भी मैं तरीका आपको बताती हूँ, इसकी कटिंग कैसे लगानी है। कटिंग अभी तो मेरा प्लांट पूरा कलियों से भरा है, अभी कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मेरा एक ये ब्रांच है, इस पर फूल आ चुके हैं सारे, इसको यहाँ से ये तोड़ ली। ये देखिए, ये एक ब्रांच मैंने तोड़ ली है, इस ब्रांच के आपको सूखे फूल सारे हटा देने हैं, ठीक है। ये सारे सूखे फूल हमने हटा दिए, अब इसको लगाने का मैं तरीका बताऊंगी कि लगाना कैसे। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको आपको
मिट्टी में ऐसे अंदर करके लगा देना है और दबा देना अच्छी तरह से। और जब भी आप कटिंग लगाएं डेंटस की या किसी की भी, ओवर वाटरिंग से आपको बचना है। अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे ना कटिंग नहीं चल पाएगी। 2-3 दिन में एक बार थोड़ा पानी डालना है बस। और ये कटिंग डेंटस की बहुत ही इजीली चल जाती है, डेंटस 20 से भी हो जाता है, लेकिन मैं तो हमेशा कटिंग से ही लगाती हूँ। और मेरा डेंटस सारे मेरे पास कटिंग से ही मैंने लगाए हैं और मेरे डेंटस बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरे पे बहुत वैरायटी का डेंटस है, ये देखिए, एक ही मेरे पास वाइट है, ये देखिए, ये देखिए मैरून शेड है एक मेरे पास, ये देखिए, एक ये है मेरे पास, देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना इसका। ये भी पूरा कलियों से, ये सब कटिंग लगाई थी, आप देख सकते हैं ना कितनी अच्छी चल गई मेरी कटिंग, सेम उसी तरीके से लगाई थी। एक ये देखिए, ये भी पूरा बुशी हो गया है। इसे तो मैंने अभी रिपोर्ट भी नहीं किया है, इसने फूल देने शुरू कर दिया तो मैंने इसको रिपोर्ट किया ही नहीं है। नई नई ब्रांचेस खुद ही निकालता रहता है, बहुत अच्छा प्लांट है डेंटस का। पूरा सर्दी ये फूल देगा, गर्मी भी ये फूल देता है। मेरे जितने भी डेंटस के प्लांट हैं पूरी गर्मी फूल देते हैं, सिर्फ मैं यही अप्लाई करती हूँ इसके अंदर। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नई अपनी और वीडियो लेकर आऊँगी। ओके बाय।